हेलो गाइस, कुंडा दी रसोई 24 में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अपने किचन में पालक और पनीर की कोफ्ता बनाने जा रही हूँ। तो चलिए बनाते हैं बिना समय गंवाए आपके साथ पालक पनीर के कोफ्ता का। मैं एक ब्लॉग लेके आई हूँ, तो चलिए बनाते हैं आपके साथ पालक पनीर का कोफ्ता करी। इसे बहुत अच्छे से साफ कर दी हूँ। पालक ली हूँ 1 कप और इसमें मैं बेसन डाल देती हूँ। आधा कप मैं इसमें बेसन डाली हूँ और ये आधा कप मैं इसमें पनीर डाल दी हूँ। साथ में इसमें मैं नमक 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, मिर्चा पाउडर थोड़ी सी, धनिया पाउडर थोड़ी सी, गरम मसाला पाउडर और थोड़ी सी अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च डाल के मैं एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेती हूँ। मैं नेक्स्ट 1 चम्मच मैं इसमें काऊ घी डाल दी हूँ। ये अमूल का काऊ घी है फ्रेंड। और सारे को डाल के ये देखिए मैं अच्छे से मिक्स कर दी हूँ। और इसमें आप हाथ में घी लगा लें या पानी लगा लें और धीरे धीरे इसका बॉल बना दें। ये देखिए मैं एक एक बॉल बना के रखते जा रही हूँ। एक बार मैं इसे तैयार कर लेती हूँ तब आपको इसे फ्राई करके दिखाती हूँ। देखिए सारा मेरा बॉल बन चुका है, बन रहा है, चुका नहीं है, सॉरी। तो मैं बॉल बना रही हूँ। इधर हमारा तेल गर्म है और इस गर्म तेल में मैं अपने बॉल को, ये देखिए एक बैच हो चुका है, इसे मैं डाल देती हूँ। तो मैं कढ़ाई छोटी ही ली हूँ। ये देखिए गैस का फ्लेम मैं कम कर दी हूँ, 2 to medium पे है। 2 बैच हमारा बनेगा। फर्स्ट बैच मैं डाल दी हूँ, लास्ट बैच मैं बना के इधर रख देती हूँ। ये देखिए कितना मस्त हमारा पालक पनीर का कोफ्ता। मैं इसे एक बार ब्लांच करके भी बनाई थी, आज मैं डायरेक्ट बना रही हूँ। वो हमारा छोटा वीडियो था जब मैं ब्लांच करके बनाई थी, आज बिना ब्लांच का ही मैं इसे बना के आपको दिखा रही हूँ। इसमें मैं चीज़ भी डालती, बस चीज़ अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं था तो मैं चीज़ नहीं डाल पाई हूँ फ्रेंड। ये देखिए गैस का फ्लेम थोड़ा मैं बढ़ा दी हूँ और इसे अच्छे से 2 to medium तो मैं बना रही हूँ ताकि ये अच्छे से अंदर तक अच्छे से पक जाए। और मैं एक इसका सब्जी मैं स्टीम पे दे के भी बनाती हूँ। जैसे आप चना दाल को स्टीम पे पका के बनाते हैं, चना दाल का भी मैं बनाती हूँ, सरसों वाली भी और प्याज वाले भी। बेसन वाली जो सब्जी बनती है चना दाल की, वो भी मैं बनाती हूँ स्टीम पर। और पालक और बेसन को मिक्स करके भी मैं स्टीम पे बना के कभी आपको दिखाऊंगी। मैं अभी बनाई नहीं हूँ, वो हमारा छोटे वीडियो में होगा। तो देखिए कितना मस्त बन चुका है। अब मैं इसे निकाल दे रही हूँ प्लेट में, कोई टूटा फूटा नहीं है, देख लीजिए आप। सारे को मैं अच्छे से निकाल दी हूँ और इसे भी मैं गोल गोल करके, ये देखिए डाल दे रही हूँ। चाहे तो कोफ्ता को फ्राई करके फ्रीजर में रख भी सकते हैं और इसे बना के ग्रेवी लगा के भी खा सकते हैं, मैं ऐसा करती हूँ। देखिए मैं 2 टमाटर, 1/2 प्याज, 2 हरी मिर्च डाल के एक पेस्ट बना ली हूँ, पीस दी हूँ। आई मीन ग्राइंडर में मैं इसे पीस के पेस्ट बना दी हूँ। इसे मैं अपनी ग्रेवी में डालूँगी। और ये मैं प्याज का पेस्ट रखती हूँ बना के, ये है, इसे भी डालूँगी अपनी ग्रेवी में। तो ये देखिए हमारा इधर इतना मस्त कोफ्ता बन चुका है। अब मैं इसे निकाल देती हूँ प्लेट में। सारे कोफ्ते को मैं, देखिए इसमें तेल भी नहीं आ रहा है ज़्यादा,
बहुत तेल कम लगता है इसे बनाने में, क्योंकि पनीर को बनाने में और पनीर का कोफ्ता बनाने में तेल बहुत कम जाता है। मैं इस कढ़ाई में शिफ्ट कर दी हूँ और इसमें मैं एक ब्रोकन तेज पत्ता डाल दी हूँ, दो लौंग और दो इलायची छोटी डाल दी हूँ, बड़ी इलायची मैं इसमें नहीं डालती हूँ, और थोड़ी सी अदरक और लहसुन का पेस्ट मैं डाल दी हूँ। काफ़ी अच्छी और नेक्स्ट मैं इसमें एक प्याज का पेस्ट डाल दी हूँ, इसे भून देती हूँ दो मिनट अच्छे से ताकि इसका जो रॉ स्मेल है वो निकल जाए। लहसुन अदरक प्याज सारे को मैं पीसी दी थी, दरदरा ही पीस के मैं रख देती हूँ, क्योंकि आप कुछ भी बनाओ तो आपको काम करने में बहुत ईजी हो जाता है, बहुत जल्द आप बना सकते हो। कोई गेस्ट आ गए फटाफट निकाले और बना दिए, तो देखिए मैं कितना जल्दी इसे बना दी। तो ये हमारा भून रहा है, गैस का फ्लेम मैं कम कर दी हूँ और इसे भूनने देती हूँ दो मिनट अच्छे से। ये रोस्टेड ही बेसन मैं रखती हूँ, इसे भी मैं भून के रखती हूँ, बहुत कुछ मैं डालती हूँ, और थोड़ी सी मैं इसमें लहसुन और डाल देती हूँ, मैं स्किप कर गई थी, अदरक लहसुन ही डाली थी वे डाल दी हूँ, और इसे भी भून देती हूँ अच्छे से। आप मसाला अच्छा से भूनेंगे तो आपकी जो सब्जी हो या कोफ्ता कड़ी हो कुछ भी हो तो अच्छी बनती है। तो ये देखिए मैं इसे भून ले रही हूँ अच्छे से। मैं इसमें 1/2 teaspoon धनिया पाउडर डालेंगे, 1/4 teaspoon हल्दी पाउडर, 1 teaspoon मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, और साथ में इसमें मैं स्वादानुसार या मेजरमेंट से मैं इसमें छोटी चम्मच से 1 चम्मच मैं इसमें सॉल्ट डाली हूँ, और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। और नेक्स्ट मैं इसमें ये जो मैं टमाटर का प्यूरी बनाई हूँ, टमाटर प्याज और हरी मिर्च का, इसे भी डाल देती हूँ, 4 चम्मच घर से मैं डालूँ जहाँ नहीं डाल रही हूँ देखिए, और इसे मैं भून देती हूँ 2 मिनट। मैं इसमें 1/2 teaspoon कश्मीरी मिर्च डाल दी, इसे कलर अच्छा आ जाता है, कोफ्ता का कलर अच्छा आ जाएगा, इसे भी मैं डाल दी हूँ और भून देती हूँ। और इसमें मैं 1/2 cup मिल्क डाल दी, तो सारे कुछ मैं डाल दी हूँ उसमें ये देखिए, और सारे को अच्छे से मैं मिक्स कर दी हूँ, और अच्छे से सारे को मिक्स करके मैं अच्छे से भून देती हूँ। गाइस मसाला हमारा देखिए तेल जो है वो सरफेस पे आने लगा है, और अब मैं इसमें 2 चम्मच कर्ड डाल दी हूँ, गैस का फ्लेम मैं कम कर दी हूँ ताकि हमारी दही फटे नहीं मसालों के साथ, क्योंकि गर्म से दही फट जाती है। तो देखिए हमारी दही फटी नहीं, आप देख सकते हैं, मैं बार बार बोलती हूँ कि आप कुछ भी जब भी दही डालो तो गैस का फ्लेम है उसे लो टू मीडियम कर दे या ऑफ कर दे। देखिए मैं आपके सामने बना रही हूँ, ये देखिए नहीं ना फटी हमारी दही। क्रश की हुई कसूरी मेथी भी डाल दी हूँ देखिए, और लास्ट में मैं इसमें 1/2 teaspoon गरम मसाला पाउडर डाल दी हूँ, सारे कुछ मैं डाल दी हूँ, और इसे अच्छे से सारे के साथ मिक्स कर देती हूँ। देखिए हमारा मसाला बहुत अच्छे से भून चुका है, सारा तेल ऊपर आ गया है आप देख सकते हैं, और नेक्स्ट मैं इसमें 1 cup पानी डाल दी हूँ और इसे उबलने देती हूँ। देखिए कितना अच्छा कलर इसका आया है हमारे कोफ्ता का। बची हुई थोड़ी सी क्रश पनीर है, इसे भी डाल देती हूँ,
इसे भी मैं डाल देती हूँ क्योंकि ग्रीन बनाती हूँ। तो इसमें मैं मटर भी थोड़ी सी डाल दी, एक चम्मच, एक बड़ा चम्मच मैं इसमें मटर भी डाल दी हूँ। और नेक्स्ट मैं इसमें अपने कोफ्ते को ये देखिए डाल देती हूँ। सारे कोफ्ते को मैं डाल के दो मिनट में कवर करके पकने देती हूँ। सूखने का तो कोई सवाल नहीं है, ये कोफ्ता बहुत लोग बोलते हैं कोफ्ता उतार के डालना चाहिए, बट मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। ये देखिए सारा कोफ्ता को मैं डाल दी हूँ और दो मिनट में इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे पक लेते हैं। लुक एट दिस गाइस, ये देखिए हमारी पालक और पनीर की कोफ्ता कितनी मस्त बनी है। आप देख सकते हैं एक भी कोफ्ता, मैं इसे पाँच मिनट लगभग उबाल दी हूँ ग्रेवी के साथ, बट देखिए कोई टूटा फूटा नहीं है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसे डिसआउट कर देती हूँ और थोड़ा सा मैं ऊपर से ये घी डालती हूँ। घी डालने से कोफ्ता और अच्छा बनता है और इसे मैं डिसआउट कर देती हूँ और ऊपर से मैं ये इलायची पाउडर भी रख दी हूँ और थोड़ी सी मैं इसमें इसकी मैं डेकोरेटिंग देखिए क्रीम से मैं इसे थोड़ी थोड़ी ज़्यादा नहीं डाली हूँ डाल दी हूँ। और तो हमारा कोफ्ता कढ़ी पालक और पनीर का कोफ्ता कढ़ी बनके तैयार है। तो गाइस ये देखिए कितना मस्त हमारा कोफ्ता, इसमें जो मैं ग्रीन मटर डाली हूँ आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल चंदा दी रसोई 24। दुआओं में याद रखिएगा और इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप देख सकते हैं मैं कितना अच्छा इसे बनाई और कितना जल्दी बनाती तो सबको ये, बट किसी चीज़ को कैसे बनाना है कैसे मैनेज करना है ये होना चाहिए। किचन में कोई आए फटाफट बना के आप इसे रख भी सकते हो फ्रिज में। तो अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल चंदा दी रसोई 24। बाय, हैव अ नाइस डे।